तो जी ये देखे असलम भाई को जो है ना वो नाक से खून बहना शुरू हो गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं अभी रहीम यार खान पासपोर्ट ऑफिस जो हैं वो पहुंच चुके हैं। इधर से नहर है ऊपर और अभी टाइम देखें माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है और सूरज देखें कि निकलने की कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, बिल्कुल हसन की तरह, गुलू मुलू की तरह। कैसे हो? ठीक हो? ओए सदके वो क्योंकि अभी अभी उठा हुआ है ना, वो नखरे दिखा रहा है और हसन जो है वो चुमिया दे रहा है और आपकी तरफ देख रहा है। सही है, सही है। चलें जी अभी जो है सैरी करते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में सब सैरी पक गई है। जी बन गई है। अच्छा, कोई काम शाम नहीं करने वाला? आप तो मशीन इधर आ गई। नहीं, जो काम करना था वो हो गया। उधर दे दी मामू वालों को? नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जा भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। तो अभी जो है सहरी का टाइम है और मैंने जो है रोटी जो है वो बिल्कुल मुकम्मल बना के रख दी हुई है और असद चाचू जो है वो सामान लगा रहे हैं क्योंकि इधर से हसन जन जो है वो रो रहा था, तो इधर से मैंने हसन को उठाया और बेबो भी उठ गया, दोनों भाई देखे एक साथ सोए हुए हैं और कपड़े भी सेम दोनों। हेलो, परेशान और नाराज हुआ पड़ा है। अच्छा देखो, हंस भी नहीं रहा। रात जो मुझे थोड़ा सा अहमद ने ठंडा पानी दिया और मेरी आवाज चेंज हो गई। मैंने जानबूझ के दिया। नहीं, आपने कहा पानी पीना, सब मैं ठंडा पानी ले आया हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा दे दे, पूछ रहे हो तो बस वो। हालांकि दिया भी नॉर्मल है और गला खराब। हाँ सही बात, अभी तो कह रहे थे फुल ठंडा दूं, सुबह मेरी आवाज भी ना निकलती, ऐसे करती हूँ। पता ही क्या करती है सुबह? मैं कहा क्या, जहाज इधर से गया उधर से डटा। अच्छा क्या बिरयानी खानी है? तो इंशाल्लाह सुबह तक जो है वो गला सही हो जाएगा क्योंकि मैं गरम गरम चाय पीऊंगी ना, फिर गला सेट हो जाएगा। तो अभी गरम पी लो। नहीं, अभी मैंने बनाया भी नहीं है। अच्छा हाँ, जैसे बनाएगी तो पी लेना, तो फिर आपका गला जो है सही हो जाएगा, वरना दिन में तोते उड़ाते रहोगे। नहीं, दिन में सही हो जाता, कल भी ऐसे हो गया था। अच्छा देख लिया जी, मैंने कहा ना सिर्फ अहमद पे इल्जाम ही लगते हैं, बाकी अभी इसने खुद कह दिया कि कल भी इसका गला ऐसे था, आज भी ऐसे, और रात मैंने मेरे पानी देने की कोई वजह नहीं है। नहीं, वो कल भी मैंने फ्रिज वाला पानी थोड़ा सा पिया था ना, इसी की वजह से। और इल्जाम आज अहमद पे आ गया मोटो। आपने पूछा है ना, साजरे इल्जाम तो किसी न किसी पे लगाना ही था, अपने ऊपर कौन लेता है? मोटो साजिश कर रही है, आपकी अम्मी साजिश कर रही थी, आपके पापा को फंसा रही थी। चलो जी चलते हैं हम बाहर। हाँ जी, और बाहर का माहौल देखते हैं कि हसन को लेके जा रही हो? जी, वो तो नींद कर रहा है। नहीं, वो बेबो साथ सो जाना ऐसे पासा, फिर उसको ऊपर बच्चा है ना, कोई पता नहीं चलता, तो इसी वजह से हसन को हम साथ लेके जाएंगे। साउथी अवेली को पोटले ये क्यों छुपी हुई है सदागी? ये देखें जी, मैं आया ना तो सब तो माशाल्लाह अपना आजी के साथ बैठे हैं, लेकिन वह देखें सरदार खड़ा है उधर, सरदार देखे हैं सही, सरदार को सरदार खड़ा है बिल्कुल। तो इधर हसन को जी सुला दिया और ये जनाब अकेले अकेले सहरी कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि यार जिसने करनी है आ जाओ, कभी नहीं बोला जिंदगी में इस शख्स ने। हिरसिया देख गिदम में तेको बेली, पहले पहले दही खा लूंगा। तो साथ आया हूं ना, आप तो बिस्तर पे लेटे हुए थे ना। अच्छा, सबसे पहले किसने उठाया जी आपको?
बस सब हाँ वही पानी वाली बात आ गई ना। सबसे पहले जी उठाया मामू जी ने मुझे, हाँ जी। कहता उठो सहरी का टाइम हो चुका है। मैंने उठाया अपनी मैडम को, मैंने कहा उठो सहरी का टाइम हो चुका है। इसने उठाया अम्मी को, उठो सहरी का टाइम हो चुका है। अम्मी ने उठाया अब्बू को, उठो सहरी का टाइम हो चुका है। और जब सारे उठ गए फिर आके मुझे उठाना शुरू हो गया। मैंने कहा जब तक सहरी बनाओगी मैं तब तक फिर नींद कर लेता हूँ, इसलिए तो चलें। हाँ जी एडवांस है। वड़े 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 चाय के ये उत्तू करके फिर नीचे डाल रही है, उत्तू करके फिर। वाह आज तो पक्की चाय बना रही है ऐसे ना। हाँ जी ना? और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि साडा अट्टा फेरा आ गया है। देखो सोना जी आज हमने पकाया ना, तो वो थैली तो नहीं खोली ना अभी तक। नहीं वो खत्म कर दी। हाँ खत्म हो गया। नहीं थोड़ा सा थोड़ा यार बरकत होते जा रही है। तो वही आटा फिर ले आएंगे। ये वाला आटा तो एक कितने 3 दिन में खत्म हो गया था, फिर वही ठीक है ना। काला काला तो फिर भी लगता है। चलें जी तो बस। सालन देखते हैं कि रात तो सबा ने कहा था खत्म हो चुका है लेकिन माशाल्लाह पड़ा है। अम्मी जान चाय को अब बस कर दो और आप सहरी कर लो। उधर अब्बू भी इंतजार कर रहा है आपका। हाँ जी टाइम थोड़ा है, जल्दी कर लो। और गर्मी भी हो रही है आज सहरी के टाइम, गर्मी हो रही है सबा। तो ये गैस अम्मी बंद कर दिया। जब बंद कर देगी फिर। अम्मी ने बंद कर दिया है। ए तलो क्या चल रहा है? कर रही है अपने कानों पे इलाज करवाओ। फिर पंखा नहीं चलाना वे, वो ठंड लग जाएगी। चीनी इधर दे दो और मुझे नमक दे दो। चीनी दे दिए थे नमक रखा है। हाँ तो चीनी के लिए इधर उधर क्या देख रही हो? आपको नहीं पता चीनी कहाँ रखी है? मुझे पता है आपको बताने की वो नहीं है। ठीक चीनी का डब्बा आगे रखा हुआ है तो सालन दे दो। हाँ तो ये खैरियत है, आंखों का इलाज करवाओ भाई। आगे रखा हुआ है फिर चीनी मांग रहे हो? मतलब वो सालन की जगह चीनी मांग रहे हैं बड़े बुजुर्ग। बड़े बुजुर्ग ने असल में ये देखे ना तो आंखों पे ये देखे कपड़ा डाला हुआ है ना। पड़ी थी चीनी उधर पड़ी थी, मेरा हाथ नहीं जा रहा था। हाँ मिक्स तो ऐसे हो रही है जैसे। नहीं अम्मी नहीं रो रहा। सबा यार वो ना इधर मक्खियां भी आ रही हैं, एक तो गर्मी हो रही है तो पंखा तो चला दो, स्लो स्लो चला दो। मक्खियां आ रही है ना? जब नहीं गर्मी भी है असल, आज गर्मी है ना। सहरी के टाइम भी गर्मी हो रही है। फिर पंखा जब चलाएंगे ना वो मच्छर चार चार के आपकी रोटी में डालेगा। यार चला दो वो मेरा मसला है। चलो सालन तो बढ़ जाएगा ना कुछ। वो तो कुछ नहीं हो रहा, चला देती हूँ क्या है मेरे पास ना सालन है कुछ थोड़ा। चलो ये मच्छर छच्छर आगे कुछ बढ़ जाएगा सालन बस। सही है और कहते टेस्ट भी अच्छा आता है। तो माशाल्लाह जी सैरी करना शुरू कर दी है। और उधर अबू अम्मी ने भी सैरी करना, ओ अम्मी है कल ही, अबू अभी आ गया है माशाल्लाह जा रहा है। तो पंखा जो है वो हमने चला दिया है क्योंकि हम ही हो रही थी बहुत ज्यादा गर्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चार पाई पे बैठ गया हूँ और रोटी जो है ना वो कम पड़ गई, सब ने दोबारा से पकाना शुरू कर दी। और बेबो जानी भी उठ के आ गया। आ गए हो मेरा दिलबर जानी, आ गए हो आप? तो बोलते नहीं हो। हसन जानी होता तो हंस पड़ता। हाँ हसन जो है वो दोबारा सो गया। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अबू ने भी सैरी कर ली, अम्मी ने भी कर ली, अब सिर्फ चाय पीनी है। चाय मैंने भी पी ली, बल्कि ये थोड़ी सी बच्ची रखी। हाँ जी हाँ यही बात होती है क्योंकि हम जब रोटी बनाते हैं या सालन या कोई काम करते हैं ना तब हम व्लॉग शूट करते हैं। तो देखने वाले समझते हैं शायद ये दिन रात बस रोटी ही पका, बेचारी काम कर करके थकी हुई है।
हालांकि ये पता है कि साफ जाहिर है आखिर 24 घंटे थोड़ी इंसान रोटी खाता है, ये अभी बना रही है फिर ये शाम को इफ्तारी के टाइम बनाएगी, लेकिन व्लॉग में ये रोटी ही पकाएगी शाम को भी, इधर भी जब भी वीडियो जाएगी रोटी पका रही होगी तो कहेंगे ओए रात दिन बेचारी काम करती है। हाँ तो रोटी अभी पक रही, इधर आ जाओ यार, हेलो इधर आ जाओ, ये ना पानी जग में खत्म हो गया, ये पानी थोड़ा सा बना दो या जग तो इसको दे दो, ये लेके जा रहा है, आप बोतल में मुझे पानी डाल दो, हमने ना अब सुनेगा नहीं वो यार, वो ठंडा पानी हमने पीना है सैरी के टाइम, इसमें आप दूसरा डाल लो। मैंने कहा वो भाई को कॉल करनी है, कहते काम मैंने कर रही, मेरे खान कहते रही मेरे खान में भी रमजान शरीफ आ गया, मैं कहा नहीं सिर्फ हमारे शहर में आया भाई। मैंने कहा ऐसा सिस्टम होता कि अलहदा अलहदा शहर में रमजान शरीफ आता ना, कुछ सामान भूल जाते बाहर में। हाँ मामू तो मतलब जहाँ रमजान शरीफ नहीं होता वहाँ भाग जाते। अम्मा इधर आता ना लियाकतपुर, हम इधर बैठे जैसे देखते भी फिर उधर क्रॉस कर रहा कानपुर में, मैंने अगर रही प्यार साथ का नहीं, फिर ये वापसी पे लतौड़ते ही वाला पीछे बेले ही तो गुजर गए असे बागो बाहर करू तई शेका बट्टे करू तई टापा हुआ। तुसा तुम गाल को पढ़ावी चा करते हो, अम्मी भी कहते हैं पढ़ावी चा यार, कैसे कैसे बातें कर लेते हो आप, तेरे ना दिपिए मतलब मैं हूं ना गोरा आप हो काले, रंग तो बटा गए हो पर तेरी आदत है मेरे हाल को तीख गए। वो अम्मी अबू के साथ होती है ना, अम्मी जो है अबू के साथ होती है, कलर तो तब्दील हो गया है पर आदत चाह गई है। अब अम्मी पानी के दो गिलास पी लो, टाइम जो है वो 4 मिनट रह गए बस, बहुत है माशाल्लाह। तो इसका भी चेहरा देखें और इसका देखें, मेरे ख्याल में सेम चेहरा है ऐसे ना सबा जी, हाँ दोनों शहजादे एक साथ, हसन और बेबो और मैं, हम तीनों एक शक्ल। और मुझे आपने कहाँ पे रखा? आपको भी इसे हमारे साथ है, मतलब गोल शक्लें तो हमारी तरह है आप, लेकिन चेहरा मुबारक जो है आपकी शक्ल वो नक्शे नैन वो आपकी अम्मी और अब्बू के जैसे हो गए। अच्छा हाँ जी, तो कोई तो बच्चा मेरी तरह होना चाहिए ना, वो बचपन में जब नया नया बच्चा पैदा होता है ना, ये भी पैदा हुआ ये हसन भी कहते हैं वाह वाह ये तो बिल्कुल अहमद की तरह है, फिर ना ये इसने पता नहीं कौन सा काम करती है फिर अपनी अपने शक्ल की तरह बना लेती है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिसके घर भी गई हूँ जो भी हमारे घर आया कहते सब माशाल्लाह ये तो सेम है आपकी कॉपी है, मैंने कहा हाँ। तो जब ना बात सुने एक मिनट, जब बच्चा पैदा होता है ना तो कोई कहता है वाह जी वाह मामे पे गया है, कोई कहता है वाह जी वाह पापा पे गया, कोई कहता है किसी पे गया, कोई कहता है नाने पे गया, कोई कहता है नानी पे दादी पे दादो पे, इस तरह जब बच्चा बड़ा होता है कोई ऐसी वैसी हरकत कर लेता है तो फिर आपको पता है क्या कहते हैं? ये बाप पे गया है। नहीं 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 नहीं, नहीं। बस अब मैं आप सब समझ गए होंगे कि फिर बच्चे को क्या बोलते हैं आपस में बैठो ना, ये पता नहीं ऐसे बोलते हैं, तो आप सब समझ गए होंगे क्योंकि मैं अल्फाज यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि छोटे छोटे बेबी हमारे वीडियो देखते हैं ना, हमारे बच्चे हमारे नन्हे हमारे मुन्ने चूनू मुनू तो बड़े तो सब समझ गए होंगे, क्योंकि ये स्टोरीज जो है ना बड़ों को अक्सर सुनने को मिलती रहती है और वो खुद भी करते रहते हैं। तो ये अभी सो रहे हैं और ये इसको जैसे ही नींद आएगी तो अजाने भी होने वाली हैं, तो आपने नमाज पढ़नी है, और इधर माशाल्लाह शहजादा भी सो गया है।
लो मैं सब कह जाऊँ सुभानअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सब ने माशाल्लाह कहना है जी। रवाना हो जाऊँगा रहीम यार खान के लिए, ठीक है जी। तो रहीम यार खान वालों, आई एम कमिंग टू रहीम यार खान। तकरीबन मैं रहीम यार खान जो है ना वो अभी निकलूँगा 8, 8:30 बजे रहीम यार पहुँचूँगा, और उधर से तकरीबन आधे घंटे का काम है, फिर मैं रहीम यार खान से वापस आ जाऊँगा। गुड हो गया। और वीडियो जो है वो सब 2 बजे देख रहे हैं, वो कैसे मिलेंगे। हाँ, ये भी है क्योंकि आप 2 बजे से पहले आ जाओगे ना, है ना। हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि मैं तो 10 बजे उधर से वापस आ जाऊंगा और वीडियो अपलोड करेंगे 2 बजे। कोशिश करनी, वैसे टाइम से आ जाओगे फिर जो है ना, आज कुछ रहीम यार से लेते आना। क्या मतलब? कुछ स्पेशल लेके आना। वैसे यार बहुत हंसी आती है मुझे तेरी बातों में, कितनी भोली है भाली है तू। नहीं कोई कुछ चीजें मंगवाने के लिए कोई मंगवाए तो वो खोला होता है ऐसे। नहीं, कितनी सिंपल सादी सी भोली भाली हो गए, आखिर शहर एक ही, इधर भी शहर उधर भी शहर, ये नहीं कि उधर कोई नई चीज जदीद चीज मिलती, इधर जो चीजें मिलती उधर नहीं मिलती, जो उधर मिलती इधर। अब हम सिंपल से जहाँ से कपड़े ले जाते हैं, जहाँ पे ब्लाउज की नहीं मिलते ना, वहाँ पे मिल जाते है। अच्छा चलो ठीक है यार, अब मैं मतलब ये है कि वहाँ से ना तो एक दो सूट, बस ज्यादा नहीं, बस 2-3 सूट ले आना ब्लाउज के। ठीक है जी, ठीक है, मेहरबानी। नमाज अदा करते हैं, नमाज फजर, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। तो प्यारे बहन भाई अभी जा रहे थे, तो ये देखिए माशाल्लाह प्यारा प्यारा सूट, मैंने कहा दर्जी को दे दूंगा, ये सिलाई हो जाएगा। एक ये है और दूसरा जो है ना, दूसरा सूट जो है वो ये है, तो 2 सूट हैं, ये दर्जी को दूंगा, तो चले वो सिलाई जो है वो कर देगा। अभी जो है यहाँ पे रखते हैं इसको। प्यारे बहन भाई आज हम जा रहे हैं, हम जो है वो रवाना हो चुके हैं, और मेरे साथ मामू हैं और भाई साहब हैं और मैं हूँ, 3 बंदे जो है हम जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जैसे पहुंचेंगे आपके साथ में शेयर। चार कौन, और आत्मा बैठी है कोई? देखो असलम खान बैठा था। आपका भाई यार। मैं ऐसे चुप करके बैठ गया और फिर आपका व्लॉग भी बना लिया जो आप, क्योंकि मैं ना सुबह ना मैं इसको गया हूँ ना उठाने, इसने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने घर रहना है क्योंकि मैंने व्लॉग वगैरह बनाने हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे फिर अचानक छुप के बैठ गया भाई यार। चल लें जी, ठीक है, हमारा ही व्लॉग बना लें आप। और अभी टाइम देखें माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है, और सूरज देखें कि निकलने की कोशिश कर रहा है माशाल्लाह, लेकिन बादल तो बहुत ही ज्यादा। हाँ बादल वेड़ गए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, रहीम यार खान जो है वो हम पहुंच चुके हैं। वेलकम टू रहीम यार खान, माशाल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं अभी रहीम यार खान पासपोर्ट ऑफिस जो हैं वो पहुंच चुके हैं। इधर से नहर है, ऊपर रोड भी है, और हम अभी इधर खड़े हैं, तो थोड़ी देर तक 10-15 मिनट का काम है वो हम करवाते हैं, फिर वापसी चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो जी ये देखे असलम भाई को जो है ना वो नाक से खून बहना शुरू हो गया है, ये क्या हो गया भाई? यार कभी कभी ना ऐसा होता है, पता नहीं ये क्या चक्कर है। अच्छा वो और खून निकल दे, वो अरे आली नाली में। तो जी अभी जो है यहाँ पे फुल बटा फुल जो है वो रश हो चुका है, और मामू जी सो गए हैं। असलम भाई आप कैसी तबीयत है, ठीक हो? हाँ जी, वो पानी मार लिया है ना ठंडा इधर इधर पे। अच्छा, पानी मार लो ना ठंडा, फिर नाक में थोड़ा पानी शानी डालो ना, फिर सही हो जाता है। इसका कोई इलाज है तो बता दे। हाँ नाक, तो रेगुलर इलाज हो इसका मुस्तकिल, ये नाक से खून ना बहे, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह पर बंदा बैठा होता है ना, अब जब मैं खाना खा रहा हूँ ना किसी शादी में, तो भी ऐसे शुरू हो जाता है अचानक से। हाँ तो इलाज जो है वो ठंडा भी नहीं बताना, क्योंकि दम्मे में ठंडा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ जी, इलाज ऐसा हो कि गर्म भी हो और ये नाक से खून भी ना बहे। हाँ जी, कैसे मामू जी?
मामू की हवा निकल चुकी है। मामू की मुकम्मल मुकम्मल हवा खत्म हो चुकी है मामू की। इसको बोलने नहीं देना, नहीं तो गलत बोलेंगे। बिल्कुल सारी इसकी फूक शूक खत्म हो चुकी है, निकल चुकी है, गाड़ी में बदबू शुरू हो चुकी है। हाँ जी जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है हम लेट हो चुके हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा यहाँ पे ही वीडियो का एंड कर दूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मामू अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जिन्होंने लेट करवाया वो भी जिंदाबाद, ऑफिस वाले जिंदाबाद, सारे जिंदाबाद जी। अल्लाह टोटल पाकिस्तान जिंदाबाद, सारे बाहर वाले भी जिंदाबाद, इधर वाले भी जिंदाबाद, देखने वाले भी जिंदाबाद, ना देखने वाले भी, सब लोग इंसानियत टोटल इंसानियत के नाते सब जिंदाबाद। बस हूँ खुश है वे, खुश है वे अदी, मेरी बहन खुश हो, अम्मा तू खुश है, हाँ मेरा भिरा तू खुश है, अंकल जी तुसी खुश हो, सारे अल्लाह बोता देवे खुश रखे जी।